हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे MT15 के बारे में, जिसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आने वाला था, मींस जिसमें कुछ न्यू चेंजेस होने वाले थे। यामा MT15 का कुछ दिन पहले इसका ट्रेडमार्क या फिर इसको डुअल चैनल ABS में लॉन्च करने की बात हो रही थी कि इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में डुअल चैनल ABS में लॉन्च किया जाएगा। बट अभी कुछ और अपडेट भी आ रही है यामा MT15 2021 के बारे में। इस बाइक में अब आपको USD सस्पेंशन भी मिलेंगे। तो ये कुछ मेन चेंजेस है कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS के साथ साथ आपको अप साइड डाउन फ्रंट फॉक्स भी मिलेंगे, जो कि फिर इंटरनेशनल वेरिएंट जैसे लगेगी। ये दो मेन चेंजेस होंगे। इसके अलावा और भी आपको छोटे मोटे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रियर में स्विंग आर्म भी होगा, वो एल्यूमिनियम में होगा, और इसके अलावा फिर पूरा डिज़ाइन और स्टाइल सेम होगा। और इसके मीटर में अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलने वाला है, जो कि R15V4 में भी होगा। सो MT15 में अब आपको न्यू मीटर मिलेगा, जिसमें अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर होगा। सो अब आप अपने फ़ोन को इस बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप इजीली इस बाइक की सारी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे, जैसे कि बाइक की क्या माइलेज है, आपके बाइक में कितनी फ्यूल बची हुई है। जैसे आपको सर्विस रिमाइंडर का भी ऑप्शन आएगा, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपनी बाइक को कब सर्विस करवाना है। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको शो करेंगी। सो ओवरऑल अब आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है MT15 का, या फिर न्यू R15V से, जिसमें ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे MT15 में, ये 2 से 3 चेंजेस ही होंगे। सो अगर आपको ये चेंजेस पसंद आए हैं और आप इस बाइक को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक के लिए वेट कर लो, बिकॉज़ अगर आप ओल्ड वेरियंट परचेज़ कर लेते हो और फिर उसके बाद ये अपडेटेड वर्जन इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होता है, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने ये बाइक पहले क्यों परचेज़ कर ली। सो मेरे हिसाब से तो आपको वेट कर लेना चाहिए इस बाइक के लिए। और ये बाइक फेस्टिव सीज़न तक लॉन्च होगी, ये बाइक अक्टूबर नवंबर से पहले लॉन्च नहीं होने वाली है। सो आप उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। हाँ, R15 और MT15 के एक साथ लॉन्च होने के चांसेस हैं, बट ये दोनों बाइक्स फेस्टिव सीजन तक ही लॉन्च हो पाएंगी, उससे पहले लॉन्च होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर बात करें इस बाइक की प्राइस के बारे में, तो इस बाइक में आपको 10,000 to 15,000 का प्राइस हाइक इजिली देखने को मिलेगा, और फिर ये बाइक अप्रॉक्स 1,90,000 ऑन रोड तक आएगी। सो आपके हिसाब से ये बाइक क्या वैल्यू फॉर मनी बाइक है या नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये थी सारी डिटेल्स यामा की MT15 न्यू मॉडल 2021 के बारे में, जो फेस्टिव सीजन तक लॉन्च होगी, और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो जाएगा 1,90,000 तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye, take care.